नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। हम आए हुए हैं यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए, शाम हो चुकी है और हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, हमारे पीछे ये एक पानी की छोटी सी नहर है। यहाँ पे शाम हो चुकी है और मौसम ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे, और इधर आप जितना देखेंगे, यहाँ चारों तरफ आप नज़र घुमाकर अगर देखेंगे तो आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। और ये दूर तक गेहूं के खेत हैं, जो हरे भरे गेहूं के खेत हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे फसल बढ़ती जाएगी, इसमें और हरियाली होती जाएगी। और ये जो आप पानी का बहाव देख रहे हैं, ये बहाव काफी साफ पानी है, यह सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है इस पानी का। इस क्षेत्र में जितनी भी दूर तक हरियाली है यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, सारी इसी पानी के माध्यम से इसकी सिंचाई होती है। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर एक बड़ी सी नहर है, उसी से निकली हुई ये सहायक नहर है जो इधर के क्षेत्र की जितनी भी सिंचाई की ज़रूरतें हैं हर मौसम में इसी नहर द्वारा पूरी होती है। और इससे काफ़ी लोगों को सहायता मिलती है सिंचाई से, जिससे उनकी फसल जो होती है अच्छी पैदावार हो चुकी है। और लोगों ने जानवरों से अपने फसल की सुरक्षा करने के लिए ये जो है बाड़ लगा रखी है खेतों में। बाड़ भी है, काफ़ी समय से लगा चुके हैं लोग। और ये पानी अभी जो है निरंतर बही रहा है, पानी में चल रहा है पानी जो है इसका। जिनको सिंचाई करना होता है वो जगह जगह पे इस सहायक नाली से एक और सहायक छोटी सी नाली जो खेतों तक जाती है उनको बनाया गया है। जिनको सिंचाई करनी होती है वो उसका कट कर देते हैं, उसके बाद में पानी उनके खेतों तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे उनके सिंचाई भी हो जाती है। मौसम भी काफी ठंडा हो रखा है, लोगों ने यहाँ पे सौर पैनल भी लगा रखा है। दरअसल ये सौर पैनल लाइट के लिए नहीं, ये है जानवरों से सुरक्षा के लिए। सुरक्षा का मतलब जो है, ये लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी कुछ निकली हुई है, झटका मशीन बोलते हैं, तो ये झटका मशीन लगाई गई है, जगह जगह लगा दी गई है लोगों ने, जिससे जो है लोगों की फसल की सुरक्षा हो जाती है पूरा। और मौसम भी काफी सर्द हो चुका है और फसल है यहाँ से दूर तक जो है पूरा ग्रीनी ग्रीन फसल दिखाई दे रही है। सिंचाई होती रहती है, काफी सारे लोग सुबह शाम अपने खेतों की रक्षा करने के लिए आते हैं, जिससे सिंचाई होती रहती है। पानी का बहाव चल रहा है, और इधर से काफ़ी सारी वैसे व्यवस्थाएं अच्छी हैं जो हैं। रोड बना रखा है और ये पार करने के लिए यहाँ पे पुल बनाया हुआ था। पुल मतलब ये छोटा सा क्या है, ये सहायक पुल है शायद लगता है।
ये जो है खेतों के बीच से एक मार्ग जाता है जो ईंटों से इंटरलॉकिंग की गई है इसकी, जिससे बारिश में जो है लोग आसानी से आवागमन हो सके। और ये जो बाड़ लगा रखी है, देखिए इसमें शायद कटीले तार लगा रखे हैं लोगों ने। कटीले तार नहीं है, ये झटका मशीन का वायर है जिससे फसल जो है सुरक्षित रह सके। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा वीडियो कैसे बनी है। अगर वीडियो पसंद आए और अगर उसमें कुछ और ऐड करना हो तो उसके लिए ज़रूर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, जिससे आगे की नई वीडियो में हम उस चीज़ को ऐड ऑन कर सकें और वीडियो को अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया जा सके, जिससे आप लोगों की अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। चलते चलते ऐसे लोग हमने सोचा आप लोगों को जानकारी दिया जाए। और यहाँ पे लोगों ने जो है सिंचाई के भी नए नए तरीके भी अपनाते हैं लोग, उधर से पानी को लाकर यहाँ पे एकत्रित किया गया जाता है और उसके बाद में ये आप रास्ता देख रहे हैं। रास्ता तो इसमें क्या है, कभी कभी इसको आसान बनाने के लिए लोगों ने इधर पानी भर रखा है, यहाँ पे पानी भर रखा है और इस पानी को इधर पाइप के माध्यम से, देखिए ये नीचे नीचे पाइप डाल रखा है इन्होंने, जब इनको सिंचाई करना होता है तो इधर नीचे से ऐसे पाइप लगा देते हैं। ये पाइप के माध्यम से पानी जो है वहाँ दूर खेतों तक आसानी से पहुँचा जाता है। ये देखिए छोटे से पक्षी भी यहाँ पे उड़ रहे हैं, छोटी छोटी चिड़िया भी है ना यहाँ पे, ये छोटी छोटी चिड़िया भी उड़ रही हैं, आवाज़ आ रही है, लेकिन इनके ज़्यादा पास जाओगे तो ये भाग जाएंगी। अब लोगों ने वैसे जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, और लोग जो है ये झटका मशीन वैसे लगाए रहे हैं जिससे जो है फसलों की सुरक्षा हो सके और लोगों का हो सके। इधर से ये आ रहा है जो है सारा, इधर सामने जो है सरसों का खेत है और सरसों हो गया, गेहूं हो गया। अब हम